उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में पिछले 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों और रैट माइनर्स के बीच चंद मीटर की दूरी रह गई है और उम्मीद है कि ये दूरी चंद घंटों में खत्म हो जाएगी। मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम 2 से 3 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि मैनुअल ड्रिलिंग के सहारे रैट माइनर्स जल्दी मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। हालांकि रैट माइनर्स को लेकर लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहे हैं कि आखिर ये रैट माइनर्स कौन है और ये कैसे माइनिंग करते हैं। जानकारी के मुताबिक ये कोयला निकालने की एक विधि है जिसे चूहे के बिल बनाने और मलबा खोदने के तरीके से लिया गया है। बता दें कि रैट माइनिंग 2 तरह से की जाती है, जिसमें एक साइड कटिंग प्रोसेस और एक बॉक्स कटिंग का तरीका होता है। दूसरे तरीके में 100 से 400 फीट का गहरा गड्ढा खोदा जाता है। एक बार कोयले की परत मिल जाने के बाद चूहे के बिल के आकार की सुरंगें खोदी जाती हैं। हालांकि इस तरीके को काफी खतरनाक भी माना जाता है, क्योंकि वहां सुरक्षा और वेंटिलेशन का काफी अभाव होता है। इसी वजह से NGT ने साल 2014 में इस पर बैन लगा दिया था। सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर 60 मीटर की दूरी पर फंसे हैं। ऑगर मशीन के जरिए करीब 48 मीटर तक खुदाई हुई थी। 10 से 12 मीटर तक की ड्रिलिंग ही बाकी बची थी, अचानक मशीन खराब हो गई। अब ऑगर मशीन के हिस्सों को बाहर निकालकर रैट माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग शुरू कर दी है और अब कुछ मीटर की खुदाई ही बची हुई है। क्रिस यहाँ से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं अंदर। उन्होंने इस वक्त उससे पहले बात जरूर की थी, ये कहा था 5 से 6 मीटर का दायरा बचा हुआ है। ये अपने आप में बहुत अच्छी खबर है मीनाक्षी, क्योंकि अब 17 दिन हो चुके हैं। पीछे की तस्वीरें भी फिलहाल आपको दिखा देंगे। ग्राउंड पर अभी फिलहाल देखिए, ये जो वर्कर्स हैं ये पूरे रोड को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा रास्ता देखिए आगे टनल तक पहुंचता है। इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए उन जो लोग जो हमारे अंदर फंसे हुए हैं उनको लेकर जाया जाएगा। एम्बुलेंसेज यहाँ मौके पर मौजूद हैं और उन्हीं के जरिए जैसे ही वो रेस्क्यू होते हैं उनको उनकी हेल्थ सिचुएशन को देखते हुए आगे लेकर जाया जाएगा। अभी अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, देखिए तो अभी कल से जब ये मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई थी बहुत ज्यादा वक्त लग गया था, 6 से 8 घंटे 2 मीटर क्रॉस करने में, वो इसीलिए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोहा मौजूद था, जो स्टील रॉड्स थे वो मौजूद थे और वो बहुत मोटे थे। टनल का पूरा कंस्ट्रक्शन होता है उसमें उसी तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, इसलिए उसको हटाने में भी वक्त लगा। बताया जा रहा था कि प्लाज्मा कटर का इस्तेमाल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे लोहे को हटाया गया। और उसके बाद अभी सुबह तक की बात करें, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की जानकारी दी कि 52 मीटर तक जा चुके हैं और कुछ मीटर का फासला अभी बचा हुआ है। रैट माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग का काम काफी तेजी से किया है। टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का इंतजार पूरा देश कर रहा है और अब ऐसा लगता है कि सभी का इंतजार खत्म होने वाला है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।